नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और मेरे चैनल पे, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जो है काफ़ी दिन से वेट कर रहे होगे मेरी वीडियो का और सोच रहे होगे, काफ़ी मैसेज भी मुझे आया है कि आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया है कि आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के आपका। और लेकिन मेरी वीडियो जो है वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब चल रही थी गाइस। मैंने जो है ना आपको बताया था, जो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे फर्स्ट चैनल पे, जो है स्ट्राइक आ गई थी। तो आपको पता है कि जब मुझे स्ट्राइक आई थी एक बार, और जब एक यूट्यूबर ने मुझे स्ट्राइक दी थी, तब मेरी हालत क्या हो गई थी। एकदम से बीमार पड़ गई थी मैं, सोच सोच के डिप्रेशन कर, मतलब डिप्रेस हो गई थी एकदम ज़्यादा। तो इस बार तो पूरा चैनल ही बंद हो गया, मुझ पर क्या बीत रही है मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। और मेरा बर्थडे भी था 29 अगस्त को, बट मैंने कोई भी सेलिब्रेशन जो है वो नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी करने का मन नहीं हुआ। मेरा मन एकदम उदास सा है। और ब्लॉगिंग जो है ना वो क्या कहते हैं, मेरी आप कह सकते हो एक वो बन गया है, पैशन सा बन गया है। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, और मैं किए बिना भी नहीं रह पा रही हूँ, और करना चाह रही हूँ। तो बार बार माइंड में ना एक अजीब सा, दिल में जो ना डर सा आ रहा है कि कहीं ये चैनल भी मेरा डूब ना जाए। मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना सब कुछ करूँ, और फिर इस चैनल पे भी अगर कुछ हो गया तो फिर मेरी तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरे माइंड में बार बार इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा फेस आप देखो, मेरे गालों पे मैं बोल रही हूँ तो गड्ढे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है मुझे आ चुकी है। कभी मेरे गालों में गड्ढे नहीं पड़े हैं, मैं इतना सोच रही। डॉक्टर ने खुद कहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इस वजह से आपका दर्द जो है, मतलब दर्द क्या, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था जिसके कारण मुझे दिखाना पड़ा डॉक्टर को। तो स्ट्रेस की वजह से ही डॉक्टर ने बोला कि पेन हो रहा है, ज़्यादा मत सोचो आप किसी चीज़ को लेकर। तो मैं क्यों ना सोचूं, आप खुद सोचो। मैंने जो है एक बच्ची के तरह छोटा सा जो है अपने चैनल को किसी मुकाम तक लेके गई थी, उसमें जो है मेरे 6000 सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से मेरे जो है उसमें ऐड हुए थे। और मैं कैसे स्ट्रेस ना लूँ, कैसे टेंशन ना लूँ, मेरी सारी उम्मीदों पे, सारे सपनों पे ना एक बार में पानी फेंक दिया गया। और एक चीज़ और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है, ये मुझे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी किसी को कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इन, मतलब नाम नहीं लूँगी मैं उनका, क्योंकि फिर अगर उन्होंने स्ट्राइक दे दी तो मैं तो एकदम से मर ही जाऊँगी यार, बिल्कुल मर जाऊँगी। तो मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने मुझे स्ट्राइक दी थी तो उनको लेके लोग कह रहे हैं कि आपने उनका नाम यूज़ किया, उनका पिक यूज़ किया, इस वजह से उन्होंने आपको स्ट्राइक दे दी। आपको किसी का नाम या पिक नहीं यूज़ करना चाहिए था, किसी का नाम यूज़ करके आप आगे कितना देर तक बढ़ते। तो गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान ने उनको भरा पूरा संपूर्ण जीवन दिया है। सॉरी फ्रेंड, तो फ़ोन आ गया था, इस वजह से जो है मैं जो रोक दिया था मैंने वीडियो को। तो गाइस मैं ये कह रही हूँ, जिन्होंने मुझे स्ट्राइक दी वो हिमाचल की बड़ी यूट्यूबर है, जैसा आप लोग जान ही गए होगे, इसी से उनकी पहचान है तो आप जान ही गए होगे। और वो इस समय जो है प्रेग्नेंट भी हैं, तो इससे भी आप जान गए होगे। तो गाइस उन्होंने जो है मुझे स्ट्राइक दे दी थी, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा विनती की, हाथ जोड़े, सब कुछ किया, बट उन्होंने स्ट्राइक जो है अपनी वापस नहीं ली। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने उनको कुछ भी बुरा नहीं बोला था, सिर्फ उनका नाम यूज़ किया था और उनका थंबनेल यूज़ किया था, और टाइटल मैंने वो डाला था, उनके लिए मैंने कोई भी टाइटल नहीं डाला था, लेकिन उनके सब्सक्राइबर जो बोलते थे उससे रिलेटेड मैंने टाइटल डाल दिया था। तो उसी को देख के उन्होंने मुझे स्ट्राइक जो है वो दे दी थी। तो बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप उनका नाम यूज़ कर रहे हो, आपने उनकी पिक यूज़ की इसलिए उन्होंने आपको स्ट्राइक दे दी, तो इसमें गलत क्या है? तो गाइज मुझे आप एक चीज़ ये बताओ कि अगर कोई किसी मुकाम तक पहुंच गया है, कुछ बड़ बन गया है, कुछ उस काबिल बन गया है कि वो किसी की मदद कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है, चाहे YouTube हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिर ये पूरा इंडिया ही आप ले लो,
इस इंडिया में इतने ज़्यादा बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, सब लोग हैं। अगर वो सोच लें कि मैं पांच गरीब इंसान का या पांच ऐसे इंसान का मदद करूंगा जो कि ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरतमंद है, तो शायद दुनिया में जो हमारा इंडिया आज इतना गरीबी झेल रहा है, तो शायद गरीबी काफ़ी हद तक हमारे इंडिया से जो है कम हो जाए। लेकिन लोगों की ये सोच नहीं है। आजकल लोगों की सोच ये है कि बस अपना ही अपना देखना है, बाकी दुनिया का जाए भाड़ में, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। तो यही चीज़ जो है यूट्यूब की है। अगर मैंने उनका नाम या थंबनेल यूज़ भी कर लिया तो उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि अगर मेरे नाम से, मेरे थंबनेल से किसी का भला हो रहा है, किसी गरीब का भला हो रहा है, किसी ज़रूरतमंद का भला हो रहा है, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं थी। गाइस, इस नज़रिए से भी आप देख के देखो मेरे तरफ से। होता है ना कि कुछ लोग का दिल बड़ा नहीं होता है, कुछ लोग का दिल बहुत बड़ा होता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स पे वीडियो बनाई थी, किसी ने मुझे कुछ ऐसा कभी नहीं बोला ना कहा। देखना मेरी बातों को, अगर इस तरह से हर कोई सोचने लगे ना तो शायद हमारा देश काफ़ी हद तक सुधर जाए, बट ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। और बहुत से लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं। तो हिम्मत मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर आप समझ सकते हो, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद आपका लाइव ऑन होगा, और अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम हैं, 500 से कम है, समझ लीजिए 500 क्या 300 से कम है मेरे सब्सक्राइबर, इतना समझ लीजिए आप। अभी मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, इसके बाद जो है मुझे 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस चीज़ को करूँ या आगे बढ़ाऊँ। बस एक डर सा बना हुआ है कि अगर मैं आगे लेके भी गई तो कोई फिर मुझे जो है कुछ स्ट्राइक वगैरह ना दे दे, या कुछ रिपोर्ट वगैरह ना कर दे, क्योंकि मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी। या मैंने हर कोशिश जैसे उस चैनल को बचाने की कर ली थी, बट मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो इस बार भी मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो बस मुझे आप लोग का ना सपोर्ट चाहिए है, और सपने तो वैसे भी मेरे टूट गए हैं सारे, लेकिन क्या पता आप लोग की मदद से, हेल्प से जो है सब कुछ सही हो जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ना फुल वॉच करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर चैनल पे न्यू हो ना तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना चैनल को। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे बढ़ने का जो है मौका दीजिए। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी इन परिस्थितियों से ना बाहर निकलना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे सपोर्ट करो, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मुझे बताओ कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँ या ना करूँ यार, मैं क्योंकि एकदम से हार और टूट चुकी हूँ। आप लोग ही मुझे सजेस्ट करो, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग का साथ है तो मैं कंटिन्यू करूँगी, और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मुझे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, मुझ में कोई कमी है, तो वो भी मुझे प्लीज़ बता देना। क्लियर गाइस, प्लीज़ बता देना। और अभी तो फ़िलहाल मैं ये बंद करती हूँ, क्योंकि सांस मेरी जो है ना वो फूल रही है, क्योंकि चेस्ट में पेन है, तो इस कारण जो है सांस भी फूलती है। तो मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो ब्लॉग आएगा या फिर वीडियो आएगा मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन जो भी आएगा आपको मिलेगा जल्दी ही। तो तब तक के लिए बाय।